नमस्कार किसान साथियों, काय नेचुरल फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोइल के बारे में, या सोइल का प्रोफाइल क्या रहता है, और आपको जब आप नया एक गमला या आप जब नई एक मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें सोइल का क्या क्या कंपोनेंट होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, और उसे आप कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सोइल के बारे में। तो सोइल एक जैसे कि एक बेसिक एक एलिमेंट है आपका प्लांट ग्रोथ को, एक आपको एक स्टैंड देने के लिए या जिस पे आपका क्रॉप ग्रो करता है, तो उसके लिए आपका जो सोइल का जो प्रोफाइल होता है तो मेनली इसमें सोइल का क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सोइल के हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें मेनली फोर कंपोनेंट इसके रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मिनरल्स के बारे में, या हम इसके जो परसेंटेज वाइज हम बात करें तो 45% इसमें लगभग मिनरल्स होता है, 5% इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, और 25% इसमें वाटर, और 25% इसमें एयर होता है। आपके सोइल के अंदर, आपका सोइल किसी भी तरह का सोइल हो सकता है ये। और मेनली जैसे कि हम मिनरल्स की हम बात करते हैं, जो 45% सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो रहता है, इसमें मेनली आपका क्ले रहता है, क्ले सोइल भी हो सकती है, या उसके जो क्ले पार्ट्स जो रहते हैं, क्ले सिल्ट और इस तरह के जो भी हैं इसके अंदर मिनरल्स जो रहती है, वो इस तरह की सिलिका हो गया आपका, और ये ग्रेवल्स हो गए। तो ये 45% का कंपोनेंट आपका मिट्टी के अंदर, आप किसी भी आप लैंड में जाएंगे तो ये आपका 45% का आपको रेशियो या आपको कंपोजिशन वहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एक ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, वो लगभग 5% रहता है, जो बहुत ही कम रहता है, या एक मान लीजिए एक बैलेंस एक अमाउंट में रहता है, और ये एक टॉप सॉइल में रहता है। तो टॉप सॉइल में हमेशा एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, और जब बारिश टाइम पे या बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो सॉइल का जब फ्लडिंग होता है तो ये टॉप सॉइल बारिश के हाथ में चला जाता है, और वहाँ की जो ज़मीन होती है जहाँ से भी वॉश आउट हुआ है वो इनफर्टाइल हो जाती है या बंजर हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो जाती है। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर रहता है वाटर, आपका 25% इसमें वाटर रहता है, क्योंकि इसमें मिट्टी का टाइप के ऊपर ये वाटर होल्डिंग का कैपेसिटी होता है। तो उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कस से, हर एक की जो कंपोनेंट है उसके बारे में। और इसके साथ ही साथ इसमें 25% एयर भी होता है, तो एयर के अंदर हम ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं वो जब मिट्टी के अंदर जब डिकम्पोज होते हैं तो वो काफ़ी तरह के इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स भी निकलते हैं, काफ़ी सारी गैसेस भी निकलती है, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब डिकम्पोजिशन से निकलता है। और साथ ही साथ जब प्लांट को एयर का ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है तो वो उसको एटमोसफियर से मिलता है। तो दोस्तों, बेसिक ये एक आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ये बेसिक एक प्रोफाइल मैंने बताया आपको, आप और भी इसे जानकारी ले सकते हैं, और इसका हम सेपरेट वीडियो अगर आप कमेंट करके हमें बताएं तो हम इसका सेपरेट वीडियो भी हम इसके बारे में हम डाल देंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अब इसका, आप सोइल है या जो आपका पॉट है उसको आप कैसे तैयार करें, उसमें क्या आपके बेसिक कंपोनेंट आपके होने चाहिए ताकि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करें। तो दोस्तों, हमने कुछ बैग्स लिए हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं, आइए। तो दोस्तों, आज हम ग्रो बैग में कुछ प्लांट्स लगाने वाले हैं, और तो ग्रो बैग में आपको किस तरह का आपको कंपोजिशन रखना है आपका जो पोटिंग सोइल का है, या आप इसे आपका ग्रोइंग बैग के अंदर आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं आपका जो भी सोइल का जो कंपोजिशन है वो। तो सबसे पहले इसके अंदर हम किन चीज़ों का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इसमें मिनरल्स होने चाहिए, मिनरल्स के अंदर जैसे सोइल के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और आप हमेशा लिविंग सोइल लें, जैसे आप किसी पेड़ के जो पास की जो मिट्टी है वो आप ले सकते हैं, और या फिर आपने पहले से कुछ यूज़ कर रखा है तो आप उसको भी ले सकते हैं, आपको रिपोर्टिंग में आपको हेल्प करेगा वो। और साथ ही साथ इसमें आपको जैसे ग्रेवल्स है, क्योंकि मिनरल्स के अंदर आपका ग्रेवल्स हो गया, सिल्ट हो गया, आपका सिलिका हो गया, सैंड हो गया, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिनरल्स में ये आपको ऐड करनी होती है। वैसे तो नेचुरली ये ऐड रहता है, लेकिन आप इसे एडिशनली भी आप कर सकते हैं। तो लगभग आपको 45% आपको मिनरल्स का रखना है, और 5% आपको ऑर्गेनिक मैटर रखना है। तो ऑर्गेनिक मैटर के लिए हमने इसमें ये लिया है जो लीफ कंपोस्ट है, या फिर से जैसे लीफ मोल्ड भी आप बोल सकते हैं, ये हमने पहले से कुछ तैयार किया हुआ है। और साथ ही साथ हमने इसमें एरेशन के लिए या बेटर ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए हमने इसमें कुछ ये लीव्स और जो भी नारियल के जो छिलके हैं ये हमने पहले से ले रखे हैं। तो आप जो इसके बॉटम है, बॉटम में आप जो भी आपका
वेस्ट जो निकलता है आपके जो प्लांट्स का, वो आप इसे नीचे बिछा सकते हैं आप इसे। और उससे पहले आप इसके अंदर आप होल कर लीजिए, ताकि आपका जो वाटर का है आप इसमें जमा ना हो, क्योंकि आपका अगर वाटर अगर इसमें होल्ड होता है तो आपको रूट पे रोट की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें भी हमने आप कर रखे हैं पहले से, ये हमने पहले से कर रखे हैं। तो बॉटम के अंदर आपको सबसे पहले आपको ये बिछाना है, और उसके बाद में आपको ये, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो न्यूट्रिएंट है वो आपका लॉस ना हो। और साथ में इसमें कुछ आप लीव्स जो हैं वो आप इसमें बिछा सकते हैं। अभी हम ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक मैटर को ही हम अभी फुलफ़िल कर रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि लगभग हमें 5% इसका रखना होता है ये, या आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसमें 5% ही रखें, तो इसमें आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि जितना आप रखेंगे उतना आपका लाइट वेट होगा आपका, क्योंकि आपको जैसे गार्डनिंग अगर आप करते हैं अर्बन फार्मिंग, तो वहाँ आपको लाइट वेट ही आपको गमले रखने होते हैं, ताकि इजीली इसको मूव कर सकें। तो साथ ही साथ अब इसमें आप देख पाएंगे ये भी हमने इसका पहले से एक जो भी है इसका पहले से हमने इसमें मिक्स बना रखा है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। इसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा इसमें मॉइस्चर भी है, और मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया वाली है। तो अब हम इसे यूज़ करेंगे इसके अंदर ये। तो दोस्तों हमने इसको लगभग 50% इसको फिल कर लिया है, इस ये लगभग 12 इंच का ग्रोव है गई, काफ़ी लाइट वेट हमने बनाया है इसको। और 50% मतलब इसमें लगभग हमने, ये आप नीचे अगर देखेंगे आप इसका, लगभग हमने 3 से 4 इंच हमने इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाला अभी बॉटम के अंदर। तो वो इसलिए डाला है ताकि आपका जो भी न्यूट्रिएंट का जो लॉस कम से कम हो, और न्यूट्रिएंट इसी के अंदर आपका ट्रैप हो जाए, ठीक है। उसके बाद में हमने इसमें ये जो मिनरल पार्ट है या सॉइल का जो पार्ट है वो हमने इसमें ऐड किया है। ये हमने 50% इसमें अभी तक फिल कर दिया। अब वापस हम इसमें लीफ कंपोस्ट हम डालेंगे, ताकि आपका जो आपके जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो आपका बेटर हो। इसमें हमने कुछ ये ग्रेविल्स भी डाल रखे हैं, तो ये आपको इसके जो रूट के जो पेनिट्रेशन है उसमें आपकी हेल्प करे, और साथ ही साथ ये बल्क डेंसिटी भी कम रहता है इसका अगर आप इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डालेंगे। ये आप फिर इसमें लगभग 3 इंच की लेयर आप इसमें बिछा सकते हैं। क्योंकि ये जब लीफ कंपोज जब डिकम्पोज होता है, जब इसके साथ वाटर पानी मिलेगा इसके अंदर, और जब प्लांट की जब ग्रोथ होगी, रूट जब निकलेगी इसके अंदर, रूट जाएगी डेप्थ के अंदर, तो ये लीव्स अब ऑटोमेटिकली ये डिकम्पोज होने लग जाती है, और जो डिकम्पोज नहीं है वो, और पौधे को ही बेटर है कि न्यूट्रिएंट एक प्रोवाइड करवाता है जब इसमें आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालते हैं या कंपोस्ट डालते हैं। अगेन इसके अंदर आप 2 इंच की आपको ये लेयर करनी है सॉइल की, ये आपका प्रॉपर एक इसमें एयर भी मिलेगा इसको प्लांट को, साथ ही साथ इसके अंदर आपका जो भी वाटर है वो भी आपका बार बार में वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, और एक बेटर एक इसको एक प्लेस मिलेगा प्लांट को ग्रो होने के लिए। ये देखिए आपका काफ़ी लाइट वेट भी है, इजीली आप इसको कहीं से भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एक अच्छा सा एक ग्रो बैग या आपका जो पॉटिंग सॉइल आप इस तरह से आप बना सकते हैं, और इसमें काफ़ी तरह के आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, आपके कुछ जैसे ट्रीज़ हैं वो लगा सकते हैं आप घर पे। और इसे सेम अगर आप फील्ड की अगर बात करते हैं तो वहाँ आपके आपको थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपको कंपोस्ट डालना होता है, लीफ कंपोस्ट आपको इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो आप वहाँ पे इसका फुलफिलमेंट कर सकते हैं आप। दोस्तों ये बांस का पौधा है, और इसे हम इसमें आज ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, इसी के लिए हमने ये मीडियम बनाया है। तो दोस्तों आप इसे निकाल के ऐसा रूट बाउल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और आप इसे ऐसे के ऐसे इसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
और थोड़ा सा और इसमें आप मिट्टी डाल सकते हैं अगर आपको कम लगता है। और कभी भी आपको इस तरह का बैग है, जो ग्रो बैग है ये 12 इंच का है, इससे कभी भी फूल इसको नहीं बढ़ना है, इसको हमेशा 2-3 इंच का इसमें आपको स्पेस रखना होगा, ताकि आप इसमें जब बीच बीच के अंदर आप इसमें कंपोस्ट डालें और या कुछ और जैसे फर्टिलाइज़र आप डालें तो उसके लिए सफिशेंट एक स्पेस भी बना रहे हैं। दूसरा, वाटरिंग भी जब भी करें तो भी आपको एक अच्छे से आपको एक स्पेस मिलता है आपको वाटरिंग के लिए, क्योंकि अगर आप अगर फूल बढ़ देंगे तो आप वाटर इसमें प्रॉपर नहीं कर पाएंगे वाटरिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका ध्यान रख सकते हैं और फिर आप उसमें वाटरिंग करें। तो ये इस तरह से आप अपना जो भी ग्रो बैग है उसकी मिट्टी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।